भाई मजे मजे में ट्रैकिंग के लिए तो आ गया, 1 किलोमीटर का ट्रैक है। अब ऐसा फील आ रही है मम्मी मैं क्यों आ गई। भाई बधाई हो। नमस्ते, आप लोगों का फिर स्वागत है मेरे YouTube ब्लॉग में। और आज है मेरे ब्लॉग का day 2। कहाँ पर ये हम अभी बताते हैं, तब तक आप हमारे रूम पार्टनर से मिलिए, सुग्री दीदी। हाय, हेलो गाइस। कोई नहीं, हम गाइस वाला रिवाज फॉलो नहीं करते, बट anyway, तो मूविंग ऑन, अब चलते हैं बाहर। हम लोग रेडी हो गए ट्रैकिंग वाले जूते वूते डाल के, स्पेशल ट्रैकिंग वाले जूते आए हैं सबके लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं बाहर और आपको भी दिखाते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं। तो चलिए भाई, हमारा तो बैक पैक वैकपैक सब रेडी हो गया, गाड़ी हमारी लग चुकी है, हमारे लोग नहीं आ रहे हैं। आधे घंटे का बोला था रेडी होना है, मैं फोन तो भाई मैं तो रेडी होके, मैं और मेरी दी तो रेडी होके आ चुके हैं। आधे घंटे का टाइम दिया था, बाकी सब काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतना ज़्यादा हम लोग लेट होते जाएंगे, क्योंकि लाइट भी चली जाएगी ना ऊपर से। भाई मैं एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ऊपर देखना सुन ही नहीं रहा है, टेस्ट तो कर लिया, नाम ख़राब कर रहा है, सैंडविच खा रहा है यार। आ जाओ यार, 5 बजे अंधेरा हो जाएगा भाई, ऊपर जाके क्या ही देखोगे। है काम, एक तो कोई दिख भी नहीं रहा है, वो ये नीचे देखे ऊपर से चला गया। तो ये हमारा रिजॉर्ट, तीर्थन विला एंड रिजॉर्ट, वहाँ से कुछ इस तरीके का है। अंदर से तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, हमारे गेस्ट आ गए, ये हमारी टीम कैप्टन है। इसका सिर्फ नाम विला रिजॉर्ट है ना, इसका विला वाली बात है ना रिजॉर्ट वाली बात है। ये अभी काम कर रहा है, ये खुद के ऊपर अभी काम कर रहा है। तो यार हमारे प्लान में हो गया थोड़ा सा चेंज, क्योंकि हम लोग 16 घंटे का ट्रैवल लिटरली करके आए हैं, और रूम में भी अभी ये सब बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं रेडी होने में। तो हमारी दी ने डिसाइड किया कि हम लोग खुद आगे जा रहे हैं अकेले, बस लेकर वो पीछे से आएंगे, है ना दी। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं मज़े करते हुए, कुछ अच्छा दिखता है तो आपको दिखाते हैं, चलो आराम से। फिलहाल तो आप लोग यहाँ पर बादल देख सकते हो। तो हाँ, मैंने अभी तक आप लोगों को अभी तक बताया तो है नहीं कि हम लोग कहाँ पे आए हैं। तो हम लोग आए हैं जीबी तीर्थन वैली, अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, चोई वाटरफॉल जा रहे हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं क्या है। ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया, बट हम लोग होप कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी पहुँच जाए। 1 किलोमीटर का ट्रैक है, पैदल चलना है, ट्रैक करना है, और बस उसके साथ में ये चीज़ अच्छी है कि ये मेरा पहला सोलो ट्रैवल है जिसके अंदर मैं फैमिली के बिना आई हूँ। जब मैं निकली थी घर से थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस तो थी, बट अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसे ही आता है, ठीक है। तो दिखाते हैं आप, गाइस व्यू मिल गया, व्यू मिल गया भाई, व्यू व्यू हम आपको सिनेमैटिक देते हैं, ठीक है। हम अपना बिजनेस खोलने वाले हैं, चलो लेकर आओ, बिजनेस खोलेंगे। तैयार हो तो मेरे घर में दादा, मेरे उस पे इतने फूल से लगे हुए हैं, घर पे है ना यार, इधर से लेकर आओ, ये देखने में कितने प्यारे। तो हमारे ट्रिप ग्रुप के साथ दो कैप्टन भी है, जिसमें से एक कैप्टन है अभी, ये पवित्र सर है, ये हमारे टीम कैप्टन है, एक और है वो लेजी है, वो अभी तक आई, वो इतने लेजी है कि बाकी सब आ गए लेकिन कैप्टन ही नहीं है। यार एक चीज़ देखो, यहाँ के रोजेस भाई साहब इतने सही है ना, ये होता है देसी गुलाब, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये वाला पूरा रूट है, ये वाला ट्रेल पूरा हमें कवर करना, और हम लोग जाएंगे ऊपर। जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी। पवित्र बोल रहे हैं, ये नाला है झरना नहीं है, अगर ऐसा नाला होता है ना तो दिल्ली के हर कोने में ऐसा नाला होना चाहिए ना, अगर ये नाला है तो हर जगह दो, मेरे घर में भी दो। तो वैसे हम लोग यहाँ पे आने वाले थे अपने ट्रैवलर से, लेकिन ट्रैवलर वालों ने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया, तो हम लोग खुद ही यहाँ तक चल के आ गए। हमें ऊपर ये स्टेप्स चल के जाना है जो 1 किलोमीटर का है, ऊपर जाते हैं, बाकी यहाँ से पहले एक ही शॉप है, अगर यहाँ से आप लोगों को कुछ लेना है तो ले सकते हैं, अब ऊपर चलते हैं। भाई ये इंस्ट्रक्शन दिखिए सूचना, चलो भाई अब जय माता की बोल के ऊपर चलते हैं, अभी फिलहाल हमें स्टेप्स चढ़ने हैं, आगे सब बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्टीक हो जाएगा, नैरो नैरो सा हो जाएगा, तो उसके लिए एनर्जी इकट्ठी करते हैं और ऊपर चलते हैं। हम तो यहाँ पे ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं, बट यहाँ से डेली लोग अप डाउन करते हैं उनके काम के लिए,
यहाँ से थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है ऊपर जाने के लिए, तो फास्ट ऊपर जाते हैं अगर कैमरा में ध्यान रहेगा तो ठीक है हो जाएगा, नहीं ठीक नहीं है। अब जैसे कोई व्यू आएगा हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। तो अब शांति से ऊपर जाते हैं, रास्ता देख लो। ऐसी सीढ़ियां वैष्णो देवी की होती है, वैष्णो देवी में कहाँ सीढ़ी होती है? चलो भाई, जो भी यहाँ से नीचे जा रहे हैं ना सब बताते हुए जा रहे हैं, आपको मोटिवेट करते हुए जा रहे हैं। 10 मिनट गए, 5 मिनट गए, पर एक चीज सब अच्छी बोल रहे हैं कि व्यू अच्छा है, तो रास्ता भी अच्छा है, रास्ता भी अच्छा है। बस थोड़ी सांस चढ़ गई है, हम तो थक गए, ज्यादा ऊपर नहीं आया अभी, ज्यादा ऊपर नहीं आया, हार्डली 100 मीटर। बर्ड को ऐसे दिखता होगा अपनी आंखों से। इनका घर है और आप कहाँ रहते हो भाई? मजे मजे में ट्रैकिंग के लिए तो आ गए, 1 किलोमीटर का ट्रैक है अभी तक हुआ नहीं है, और अब मैं सोच रही हूँ कल तो से ट्रिपल है, कैसे होगा? 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना। अब ऐसा फील आ रही है मम्मी मैं क्यों आ गई, मजाक करी मम्मी, कोई बात नहीं होता है मम्मी, ये वाले मजे ले रहे थे। ये अभी मैं थोड़ा इमोशंस में बह गई हूँ, आगे ट्रैफिक लग गया थोड़ा सा। अभी तक हम लोग ऊपर चढ़ के आए, अब हम जा रहे हैं नीचे, नीचे ही जाए, बस नीचे नहीं चले जाए, नीचे के बाद डायरेक्ट ऊपर की फ्लाइट कट जाएगी। एक ही डाउनलोड फोन नहीं, दूसरा वाला चेक करना पड़ेगा फोन पे। भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मतलब इधर फर्स्ट ट्रैक है ना? हाँ हाँ, सच में मेरा फर्स्ट ट्रैक है भाई, बधाई हो। फाइनली अब यहाँ से आगे जाना है, काफ़ी हम लोग आ चुके हैं चढ़ के। भाई हम लोग इतना ऊपर आए हैं, फिलहाल अभी तो नीचे जा रहे हैं बट ऊपर ही आए हैं सिर्फ पानी देखने के लिए, और पानी की आवाज़ आने लगी है, सो अभी यहाँ चलते हैं। तो इस जगह का नाम तो है चोए वाटरफॉल। देखो आवाज़ सुनो आप लोग, जय माता दी, आप लोग बस आवाज़ सुनो। Crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it, talk your shit from the drama. Coming out and send you to your mama. Stupid freak, put the gun down. Put the bodies in the place till the sun down. And I'm up to this, I'm going to try. When the bullets fly, I'm the last one to die. भाई मतलब इतना लंबा जो ट्रैक चल के आए है ना, वर्थ इट है, इतना प्यारा लग रहा था यहाँ पे खड़े होके, वाइब भी लगा रही था, ठंडा ठंडा मस्त लग रहा है। आगे चलते हैं, रुको भाई, ये देखने के लिए हम लोग इतना ऊपर आए, ये देखने के लिए ऐसे छोटे छोटे वाटर स्प्रिंकल्स आ रहे हैं ना फेस के ऊपर, इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ना भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। आपको दिख रहे हैं? नहीं आपको नहीं दिख रहे, दिख रहे हैं आपको? छोटे ही दिख रहे हैं। तुम बैठो दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कहाँ पे भी रहना, बताओ तुम्हें आपको, तुम्हारे लिए कुछ नहीं आते है क्या? बट भाई अभी तक जो भी बोला था ना कि हालत खराब हो रही है, साथ नहीं आ रही, क्यों आया नहीं आना, भाई आना है ऐसी जगह पर, ऐसी जगह पर 10 बार आना, 10 बार नहीं, बहुत बार आना है, बहुत बार आना है।
ठंड लग रही है। बार मानो भाई, यहाँ के कुत्तों में इतना एटीट्यूड है, 10 बार पूछ लिया कौन सा शैम्पू लगाता है, बैक दिखा रहा है लेकिन मजाल है अपनी शक्ल दिए देखो, बता दे नहीं बता रहा। पीले 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 पीले। तो हम लोग ये छलोई वाटरफॉल आए थे, क्या था छलोई वाटरफॉल आए थे, यहाँ पे भैया की स्टॉल लगी हुई है। भैया क्या क्या देते हो? सिद्धू, मोमो, चाय, कॉफी, ऑमलेट, मैगी। मैगी मैगी तो मैगी दो तरह की है, वेज एंड प्लेन। वेज एंड प्लेन। मस्त, यहाँ पे कैसा रहता है टूरिज्म? अच्छा है, मतलब सीजन में ठीक रहता है। कौन सा सीजन सबसे ज्यादा आता है? ये रहता है रेनी सीजन में। रेनी सीजन, रेनी सीजन में ज्यादा। आपका नाम तो बता दो। देव। देव, देव भूमि पे देव अंकल, देव भैया। आपका? किरण। हाँ किरण। अरे यार तो भाई, हमारा ये वाला ट्रैक हो चुका है कंप्लीट, बहुत मजा आया। जितना रो रो के हम लोग ऊपर आए थे ना, ऊपर आके हमारे सारे पाप धुल गए, हमारी सारी थकान चली गई। अब जा रहे हैं हम नीचे, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है, तो अंधेरे में नीचे जाने का कोई सेफ्टी नहीं है, तो अभी चलते हैं। चलिए चलिए मैडम, बाय चाय वाटरफॉल भाई। ये प्यारी सी जगह को हमारा फिलहाल के लिए गुड बाय बोलने का समय आ चला है। वैसे तो मैंने सोचा था कि यहाँ की कोई स्टोरी होगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा सच कोई स्टोरी है नहीं। तो लेकिन आज हमने अपनी एक क्या है वो धागे वाली जगह, हाँ, कि नेगेटिव जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उन लोगों को वो जगह अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है। हाँ, तो हम अभी दिखाते हैं आपको वो जगह। तो इट्स काइंड ऑफ अ स्केरी भी नहीं बोल सकते, बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं। हाँ, बहुत सारे लोहे हैं, उसको टच नहीं करते, बस उसको निकलते जय करके प्रणाम करके चले जाते हैं। मतलब अगर आप वैसे देखोगे ना तो आपको स्पूकी वाइब्स नहीं आएगी, बट अगर आप स्टोरी सुनने के बाद उसे देखोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई कुछ तो हो सकता है। तो रुको हम आपको दिखाते हैं, अपनी सांसें थाम लो क्योंकि हम पेश कर रहे हैं वो पेड़ जिसपे बंधे हैं बहुत सारे धागे। और क्योंकि हम लोग बहुत पॉजिटिव लोग हैं तो हम आशा करते हैं कि ये हमें शांति से जाने देगा। आ जाओ, ठीक है, जय माता दी। चलिए, वाटरफॉल के सामने खड़े होके बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी फोटोज और वीडियोस बनाई, इसलिए मुझे जुखाम, इसलिए हमारी नाक बह रही है। अब हमारी, हम वाटरफॉल अपनी आंखों से देख कर आए हैं लेकिन वो हमारी देख रहे हैं, अब हमारी नाक से निकल रहा है। उही माँ काटा चुप गया। लेकिन भाई बहुत मजा आया, मतलब लास्ट में हम लोगों को एक ग्रुप मिला था, उनसे हम लोग ने पूछा कितना है, तो फर्स्टली उन्होंने बोला कि आधा हो रहा है, फिर उन्होंने बोला कि दूर भी है और व्यू भी बहुत बुरा है। पर दी, हाँ, ऐसा कुछ लगा नहीं? तो नहीं ना, बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा, हमने जाते ही बहुत सारी प्यारी प्यारी फोटोज ली, वीडियोस बनाई, बाबू देख के खाता। हमें तो व्यू बहुत अच्छा लगा, उनको पता नहीं व्यू क्यों नहीं अच्छा लगा और उनको यहाँ आना क्यों नहीं अच्छा लगा, हमें नहीं पता, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा बोलते है ना कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, तो वो हमने देख लिया। तो सुंदरता हमारी आंखों में है, उनकी आंखों में नहीं थी, नहीं थी। ये देखो भाई, ये देखो नीचे, पता है एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं। हम लोग, हमारे एक रतन अंकल है, नहीं नहीं, तो वो ऐसी जगह पे रहते हैं लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप है, यहाँ जंगल है, वहाँ पे पूरी बर्फ होती है और पहाड़ों से पूरा पानी गिर रहा होता है। हम ज़्यादा बड़े नहीं थे, 6-7 साल के रहे होंगे, तब पापा के साथ गाड़ी में हम लोग वहाँ पे गए थे। ऐसा ही रास्ता था, ऑब्वियसली बात है, इससे थोड़ा चौड़ा ही था। तो जब हम वहाँ पे जाते थे तो मैं तो बच्ची थी, तो मैं बोलती थी पानी लो क्योंकि मुझे डर भी लगता था। तो मैंने उसको, अब बचपन से मेरे को लिखने का शौक तो है ही है, हम थोड़ा अच्छा तो लिख ही लेते हैं, तो ये शौक मेरा बचपन से ही रहा है। तो मैंने उसको थोड़ा पोइट्री में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, अब बकवास ज़्यादा हो गई। भाई घर से निकलने से पहले मम्मी ने बोला था, जब बस में बैठोगे ना राधे राधे बोल लेना, राधे राधे। अबे दी है, ट्रैक से आ रहे थे
तो भी राधे राधे बोल रही थी, ट्रैक से जा रही है तो भी राधे राधे बोल रही है, राधे राधे एवरी टाइम राधे राधे। हम लोग सेफ है, जब राधा जी है साथ तो डरने की क्या बात, ठीक है ना। तो चलो, मेरा चश्मा खिसक खिसक के नीचे आए जा रहा है, बदतमीज हो गया मेरा कान बच गया दोबारा। मैं अपनी स्टेटमेंट फिर से वापस लेती हूँ, क्योंकि जो हाल आते हुए हुआ था वही वापस आते हुए भी हो रहा है। जो एनर्जी हम लोग इकट्ठा करके लाए थे गोल गेली, फिर भी हम लोग बिना बैठे काफी दूर तक आ गए। अपना नाम बता। प्रशांत। प्रशांत कहाँ से आए? नीचे से आया। कैसा है? पैदल आया। बक्के। आजा। चलो। ये पकड़। इधर आ। गोद ले लिया इसको। भाई फोटो लो। एडॉप्शन हो गया। अच्छा चलो आजा। वो डर गया। वो डर गया। नीचे भी नहीं जाना। नीचे भी नहीं जाना। नहीं नहीं लगे। पानी पीना? नहीं। पैसा? ले दो। लोन पे। दो भाई पैसा। पैसा पैसा इधर आ पहले। पैसा गाड़ी महंगा घर दे दे भाई। ए अपुन अमीर हो गया। चलो ठीक है, बाय बाय बाय, थैंक यू। अच्छा मैं रख लूँ, मैं तो कंजक हूँ ना। अरे यार ठीक है भाई, बच्चे के पैसे नहीं खाते। गाइस यहाँ पे सारे सनसेट का मजा लेने बैठे हैं सारे हमारे ग्रुप वाले। मैंने एक नई दोस्त बनाई है, आपका नाम क्या है? नीतिका ठाकुर। नीतिका ठाकुर, बृतिका चौहान, दोनों एक जैसी होंगी। यहाँ पे बड़ी खुशी के साथ में हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, हम जा रहे हैं नीचे। मेरे ग्रुप वाले भी मेरे साथ में। फुल ऑफ एनर्जी। हाँ फुल ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमने बीच में काफी ज्यादा रेस्ट ले लिया था। अच्छा सा सनसेट देखा। फाइनली मैंने सही बोला। इनका सुबह से सनसेट, इनका सनराइज हो रहा है। इनको भांग चढ़ गई, बिना पीर खाए चढ़ गई है। तो भाई क्लियर तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा बाकी का ग्रुप है वो गाड़ी से आ रहा है, मतलब ट्रैवलर से आ रहा है। हम लोग दोबारा पैदल जा रहे हैं, क्योंकि पैदल में अलग वाइब है ना भाई। करेक्ट, वाइब है। तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने रिजॉर्ट पे पैदल पैदल, और हमारा ट्रैक यहाँ पे बहुत अच्छे से कम्प्लीट हो गया है। अब जो बाकी का सीन है वो ये है कि रात को हम लोग बॉनफायर करने वाले हैं म्यूज़िक के साथ में। तो अभी जो हमारे ग्रुप्स थे स्टार्टिंग में, वो तीन ग्रुप्स डिवाइड हो गए थे, तो अभी ऊपर जाके हम सब लोग मिल गए। उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि रात को हम सब एक ही जगह पे मस्ती करेंगे, करने वाले हैं। तो चलो रिजॉर्ट चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय। देखो कभी कभी ग्रुप से साइड होके आने के ना ये फायदे होते हैं। हम लोगों को ऊपर ट्रैकिंग पे वो ब्रिज मिला था, हम लोग वो देखना आ गए, वो लोग अभी ऊपर ही है, हम लोग नीचे आ भी गए हैं और हम दूसरी चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम ऊपर जा सकते हैं ना, ये देखते हैं। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो जो यहाँ पे लिखा है हम उसको ना मान के चले जाए, या फिर अच्छे बच्चे बन के ना जाए। पोल डालो, पोल, पोल डालो, जल्दी जल्दी। और हमारा जो रिजॉर्ट है वो किधर है? वो रहा उधर है, ये रहा। तो भाई ये वीडियो 10 सेकंड की शांति के लिए, ठीक है, प्यार से 10 सेकंड सुनो। बस आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है, जैसा कि हमें पहले ही बोल दिया गया था। तो फ्लैश की लाइट से काम करा रहे हैं, और हम लोग बैठे रिसेप्शन पे, क्योंकि ऊपर जाने में क्यों नहीं जा रहे हम ऊपर। ये हमारे रूम में ये वाली जो बल्ब है वो नहीं है, चार्जिंग बल्ब नहीं है। यहाँ पे हर जगह चार्जिंग बल्ब है, और वो हमारे रूम में नहीं है। स्पेशल बंदे यार, हमारे पास कुछ नहीं होना।
हम लोग रूम में आए हैं, तितलियां भगा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गई ऊपर से। हाँ रूम खुला हुआ था और ऊपर दो नहीं तीन है, एक तो चली गई है। ऊपर से भैया कैंडल देकर गए हैं, जला के नहीं गए, उन्हें क्या हम सुट्टेबाज लग रहे हैं। हद हो गई भाई साहब। चलो 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 रुको रुको गई 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 बंद कर दो भाई। यहाँ पे पड़ चुकी है ठंड काफी ज्यादा, जैकेट वैकेट सब डाल ली गई, सब जैकेट डाली। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर खाना खाने के लिए, आगे कुछ दिख नहीं रहा, लाइट भी चली गई है यहाँ पे। भैया मैं कैंडल लाइट डिनर करा रहा हूँ, सब वेट कर रहे हो ना। आ गया अपने राजमा, मिक्स वेज, सूजी का हलवा, रोटी और क्या है, मटर पनीर, सैलेड है। अपन ये लोग लेते नहीं तो अपन ने ले लिया। चलो खाना चालू करते हैं। इस साजन को ये ट्रिप सबसे ज्यादा याद रहेगा। ये है भाई यहाँ का नाइट व्यू, ये हमारा रिजॉर्ट है, ये हमारा रिजॉर्ट है, आउटर एरिया है। तो भाई इसी के साथ में खाना वाना खा के थोड़ा सा हम लोग ट्रैकिंग से थक भी गया, बोनफायर वगैरह सब हो गया, तो अभी हम लोग कल जाएंगे जीभी। और अभी हम लोग हैं तीर्थन में, तो तीर्थन का हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, मैं तो धीरे की बोल रही भाई पता नहीं। तो भाई आज हम लोग थे तीर्थन वैली और हम लोग कल जाने वाले हैं जीभी, और इसी के साथ में ये वाला व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। कल डालेंगे डे टू का व्लॉग, तो इस ब्लॉग से कनेक्टेड रहना आगे का ब्लॉग देखने के लिए। बाकी देखो यहाँ पे पंखे भी नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपको गुड नाइट बोल दिया। ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, राधे राधे।